दुनिया का पहला वॉल माउंटेड एयर कूलर सिम्फनी क्लाउड की खरीदारी पर आपको बहुत बधाई। आइए इस कूलर के बारे में और जानें। कूलर चालू करने से पहले अपने घर के दरवाजे या खिड़कियों को खुला रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन आसानी से हो सके। अब प्लग लगा के स्विच ऑन करें। कूलर चालू करने के लिए रिमोट में पावर बटन को प्रेस करें। पावर बटन प्रेस करते ही कूलर टर्बो मोड में ऑन हो जाएगा। रिमोट में फैन बटन को दो बार प्रेस करके फैन को ऑफ कर सकते हैं। आसानी से पानी भरने के लिए इस हैंडल को इस तरह खींचे और इसे मैजिक फिल के साथ जोड़े। इस मैजिक फिल को पानी से भरी हुई बाल्टी में डालें। अब पानी भरने के लिए रिमोट में फिल वाटर बटन को दबाएं। फिल वाटर बटन दबाते ही मैजिक फिल जादुई अंदाज में पानी अपने आप क्लाउड कूलर की टैंक में भर देगा। पानी का टैंक पूरा भरते ही मैजिक फिल अपने आप बंद हो जाएगा। अब आप मैजिक फिल को अलग करके उसके हैंडल को वापस उसकी जगह इस तरह लगा दें। अगर आप चाहें तो मैजिक फिल को जुड़ा हुआ भरे बाल्टी में भी रख के छोड़ सकते हैं। जब पानी टंकी में कम होगा तो मैजिक फिल अपने आप पानी बाल्टी से टंकी में भर देगा। अगर आप बाल्टी रखना भूल जाते हैं और पानी टैंक में खत्म हो जाता है तो सुनिश्चित रहिए, क्योंकि आपके इस क्लाउड कूलर में है एम्प्टी टैंक अलार्म, जो आपको पानी के अभाव होने पर दर्शाएगा कि पानी खत्म हो गया है। और फिर भी आप पानी नहीं भरते हैं तो पंप अपने आप बंद हो जाएगा। बेहतर ठंडक के लिए हम आपको बर्फ के टुकड़े बाल्टी में डालने की सलाह देते हैं। अब रिमोट से कूलिंग बटन दबाए ताकि पानी का प्रवाह कूलिंग पैड पर चालू हो सके। आप इसी कूलिंग बटन को दो बार दबाकर इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल मोड चुन सकते हैं। हालांकि ये तब भी प्रेस करें जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। 5 मिनट के बाद फैन बटन प्रेस करें। इसमें 2 स्पीड लेवल्स हैं, हाई स्पीड और लो स्पीड। इसके अलावा दमदार हवा के लिए टर्बो मोड का उपयोग करें। कम आवाज के लिए साइलेंट मोड का उपयोग करें। ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल लोअर मूवमेंट के लिए एच स्विंग बटन दबाएं। ऑटोमेटिक वर्टिकल लोअर मूवमेंट के लिए वी स्विंग बटन दबाएं। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से लोअर की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। रिमोट की सहायता से आप 10 घंटे तक का टाइमर भी लगा सकते हैं। सेट करने के लिए टाइमर बटन को दबाएं। हर एक बार बटन दबाने से 1 घंटे की अवधि के अंतराल में टाइमर सेट होगा। पानी को ड्रेन करने के लिए ड्रेन पाइप को खींचे और उसे साथ में दिए गए पाइप के साथ जोड़ दें। ड्रेनिंग शुरू करने के लिए ड्रेन प्लग को खोले। मैजिक फिल एंड ड्रेन को एक साथ चलाकर आप कूलर को ऑटो क्लीन भी कर सकते हैं। ऑटो क्लीन करने के बाद पाइप को अपनी जगह पर लगा दें और ड्रेन वाल्व को बंद करना ना भूले। सिम्फनी क्लाउड आई प्योर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि आप ये कूलर साल भर स्वच्छ हवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस वॉल माउंटेड एयर कूलर क्लाउड से स्वच्छ और ठंडी हवा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।